तो जब मैं थिएटर करता था तब मैं पेरिस गया था, पेरिस, तो वो फ्लाइट में जाते हुए मैंने बिल्कुल ही अल्कोहल नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये पैसा मांगेंगे और मेरे पास पैसे थे नहीं, क्योंकि थिएटर कर रहा था। तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं भाई वो फ्री का होता है, और मैं आते हुए मैंने इतना फ्री का पिया कि मैं बेहोश हो गया था। इतना 30 साल पहले बिहार में अपना गांव छोड़कर दिल में उम्मीद और आंखों में सपना लेकर आ गए ये सोचकर कि मुंबई आकर हीरो बनूंगा। बट एज यू नो इट्स नॉट सो इजी, पर जहां मेहनत, डेडिकेशन और हार्डवर्क साथ हो फिर तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस संडे ब्रंच बिकॉज आई एम मीटिंग द मैन बिहाइंड भीखू माथरे फ्रॉम सत्या, सरदार खान फ्रॉम गैंग्स ऑफ वसेपुर एंड श्रीकांत तिवारी फ्रॉम द फैमिली मैन। On this episode of Sunday Brunch, I am meeting Manoj Bajpayee. Hi, Kamya. Hello. Aiye. Welcome to Sunday Brunch. Thank you. अब आप डिनर तो करते नहीं हैं, हाँ। तो आपको ब्रंच के लिए ही मिलना पड़ेगा। कई सालों से नहीं करता हूँ। कितने सालों के डिनर किया? Sometime I definitely, you know, take a bite, few bites here and there. Yeah. 12-13-14 साल हो गए। I realized कि यार मेरे grandfather बहुत दुबले पतले थे और बहुत ही fit रहते थे हमेशा। तो I said let me just follow what he used to eat. Yeah. तो वो शुरू जब मैंने किया, then मेरा वजन जो है वो control होना शुरू हुआ। मैं काफी energetic भी feel कर रहा था और काफ़ी हेल्दी फील करना शुरू कर दिया। देन दैट वॉज द टाइम आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टिक विद दिस। देन उसमें ट्विकिंग ये की मैंने, फिर फास्टिंग करीब 12 घंटे का 14 घंटे का करना शुरू कर दिया। रात का डिनर मैंने धीरे धीरे हटाना शुरू किया क्योंकि अच्छा। एक डॉक्टर ने कहा कि जल्दी खा लो, नहीं तो वो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है, हाँ। है ना? हाँ जी। तो वो जो पूरा विजुअल था कि खाना पेट में पड़ा रहता है तो उससे मुझे थोड़ा डर लगा। Stop eating my dinner completely. After lunch, the kitchen is non-operational. It only operates when our daughter is back from her hostel. कि थोड़ा तो time लगा होगा ना transition करते हुए आपको आधी रात को? एक हफ्ता बहुत मुश्किल हुई थी। मैं क्या करता था, कोई healthy biscuit खाता था, जैसे बहुत भूख लग रही है, हाँ जी, तो दो biscuit खा लेता था मैं और पानी बहुत सारा पीता था because जो हंगर पैंग्स हैं रात शाम के, हाँ जी, वो बहुत ही भयानक तरीके से आते थे क्योंकि डिनर की आदत हमने डाली थी और डिनर हम बहुत खाते थे और लेट खाना एक लाइफस्टाइल होती है ना आपकी, बन जाती है। आज भी बहुत लोग वही फॉलो करते हैं, वही फॉलो कर या नाउ दे कॉल इट इंटरमिटेंट, जो आप बहुत पहले से फॉलो, बहुत साल से कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, हाँ। सो अभी अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मैं इंटरमिटेंट कर रहा हूँ तो वो सडनली बड़ा गिल्ट फील करता है, फिर कुछ ऑफर नहीं करता है या इंसिस्ट नहीं करता है कि मैं खाऊं। पहले अगर मैं कहता था नहीं नहीं यार मैं शाम को नहीं खाता, अरे एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। हाँ। तो अगर आपको इनकी तरह बिल्कुल यंग और फिट दिखना है डिनर खाना छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, इससे बहुत सारी बीमारियां भी खत्म होगी, आपको होंगी ही नहीं कभी भी, शुगर तो बिल्कुल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कई सारी। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस। इसलिए संडे ब्रंच शुरू रहेगा, डिनर हम बंद कर देंगे। डिनर अगर सिर्फ डिनर मत खाइए और 12 घंटे का ही अगर आप करो, दैट्स इनफ एक्चुअली। मैं 18 घंटे का इसलिए करता हूँ क्योंकि हमको एक खास तरीके के शेप में अभी मुझे रहना है, अगला का काम जो करने जा रहा हूँ, नहीं तो 14 घंटे का 18 घंटे का ऐसे मैं कभी कभी फ्लक्चुएट करता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से। पर जो आप खाते हैं 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक में वो हेल्दी खाना, हेल्दी, अच्छा उसमें भी हेल्दी, ऐसे नहीं कि जो मन में आया खा। लेकिन आपने मुझे वड़ा पाव खिलाया आज हमने हेल्दी नहीं खिलाया, पर मैं आज आपको आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में लाई हूँ। बिल्कुल। तो आपको सबसे पसंदीदा क्विजीन कौन सा है एंड व्हाई डिड यू चूज दिस रेस्टोरेंट? मैं यहाँ पहले आई नहीं हूँ पर मुझे पता चला आपका फेवरेट है। जी, हमने सबसे पहले दिल्ली में ITC के एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पर हमने पैन एशियन ट्राई किया था, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों गए थे। हम दोनों डिफरेंट जगहों पर अच्छा खाना ढूंढते रहते हैं, जगह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एम्बियंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, खाना अगर कहीं अच्छा मिलता है तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो किसी ने हमें कहा था कि यार चाइनीज़ आप ट्राई करो पैन एशिया में, वो ITC, वहाँ जाके हमने खाना खाया एंड इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। हमने सोचा कि यार इतना बढ़िया चाइनीज़ हमने नहीं खाया,
That is the time we started looking for one here in Bombay, and we found this one. Luckily, yeah. अब जैसे आज के दिन बहुत ज्यादा मैंने कोशिश किया कि अपनी वाइफ को बच्ची को ये बोलने के लिए कि आप लोग ज्वाइन कर जाना, वहाँ पे ITC जा रहे हैं और आप और मैं ITC में पैन एशियन खाएंगे. पैन एशियन खाएंगे. So let's begin the Sunday brunch. Yes. खाना सामने है और रुका हो सब रुके हुए हैं. देखो आपके हम श्योर एक्टिंग के कोई होंगे सीक्रेट्स, हमारे फूड ब्लॉगर्स के यही है, पहले हम तस्वीर खींचते हैं जो हम खा रहे हैं और फिर खाते हैं. एक भूखा आदमी जो 18 घंटे से भूखा है उसके सामने अपने खाना रखा, उसके बाद कह रहे हैं रुको नहीं खा सकते. सॉरी अब आप खा सकते हैं. तो यहाँ हमें बताना नहीं पड़ा कि हमें क्या ऑर्डर देना है, उन सबको आपके सारे फेवरेट्स बताते हैं. शबाना जो मेरी वाइफ हैं, हाँ जी, वो डिसाइड करती हैं. अच्छा. क्या ऑर्डर करना है? शी इज वेरी गुड. बिकॉज़ शी अंडरस्टैंड फूड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपकी लव स्टोरी क्या है? कैसे मिले थे आप उनसे? हंसल मेहता की एक पार्टी थी. अब देखिए वो भी फूड से रिलेटेड है. हंसल मेहता ने 100 एपिसोड पूरे किए थे खाना खजाना के. अच्छा. Okay. और वो एक बड़ी स्टार हो गई थी करीब फिल्म के बाद. मेरा बड़ा नाम हो गया था वो सत्या फिल्म के बाद. तो हंसल मेरा पुराना दोस्त था, तो उसने कहा था पार्टी में आने के लिए. मेरा मूड बिल्कुल नहीं था. मैं कौन फिल्म की शूटिंग करके आया था और करीब 22 रातें हमने शूट की थी और मैं ज़बरदस्ती मुझे जाना पड़ा उस पार्टी में और वहाँ पर भी मिल गई. फिर हम बात करने लगे, फिर अगले दिन भी बात करने लगे, फिर तीसरे दिन भी बात करने लगे. फिर जो है प्रेम कहानी का सिलसिला आगे बढ़ा. अब हमारी एक बच्ची है. अच्छा. बट मैंने कहीं पढ़ा, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर वो बिल्कुल बिना मेकअप के थे. एंड दैट्स व्हाट कॉट योर अटेंशन, इफ यू कैन टेल मोर अबाउट दैट. बिकॉज़ वो अपना घर शिफ्ट कर रही थी. अच्छा. तो शी वाज सेटलिंग डाउन एंड कुछ सामान लेने गई थी वो बैंड्रा. हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने उसको बोला जबरदस्ती कि तू बैंड्रा से आते हुए इधर जस्ट ड्रॉप इन. उन्होंने कहा कि यार मैंने तो तेल लगाया हुआ है और मैं कैसी लग रही हूँ यार, मैं नहीं आ सकती. तो नहीं नहीं जस्ट कम मीट ऑल द फ्रेंड्स एंड देन यू गो. इतना इंसिस्ट करने के बाद शी लैंडेड देयर एंड शी वाज एक्चुअली सपोज टू स्टे देयर जस्ट फॉर हाफ एन आवर. जब हम बात करने लगे फिर रुक गई. चलो बहुत बढ़िया है. नाउ यू हैव लाइक अ फुल फ्लेज्ड लाइफ इन मुंबई, पर आप आए थे जब बिहार से. जब आप बचपन आपका गुजरा बिहार में, Did you ever think that this is the kind of life you want? देखिए जब मैं थिएटर करने गया था तब उस समय दिमाग में था कि बम्बई जाऊँगा मैं थिएटर करने के बाद. लेकिन थिएटर करते हुए मैं भूल गया, पूरा मुंबई का सपना भूल चुका था. क्योंकि सडनली मैं इतना थिएटर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए काम नहीं है वहाँ पर. बिकॉज जिस तरह की फिल्में बनती है, आई डोंट फिट इन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स. तो आई डिसाइड दैट आई डू थिएटर हियर इटसेल्फ. और एक रेपर्टरी कंपनी है NSD की, मैंने कहा कि बाद में जो है इसमें मैं अप्लाई करूँगा, हो ही जाएगा. बिकॉज थिएटर में इतना नाम हो चुका है और वो लोग को मिलते थे 20,000 रुपये या 15,000 रुपये सारे एक्टर्स को उस रेपर्टरी कंपनी में. बट मैं एक बार गया भी, सुबह से शाम तक रहे वहाँ पे. एंड देन आई गॉट बोर्ड एंड आई सेड नो आई कांट स्टे हियर. तो मैं वो जॉब छोड़ के आ गया. तब तक बैनिट क्वीन हो गई. दिल्ली में बैठे हुए थिएटर करते हुए बैनिट क्वीन फिल्म में, शेखर कपूर की फिल्म में कास्टिंग हो गई. इतना बड़ा डायरेक्टर. फिर तब शेखर कपूर ने कन्विंस किया हमें कि नाउ यू गाइस शुड शिफ्ट, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू द यूजुअल स्टफ, एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग मनी फॉर व्हाटएवर यू डू. हियर यू डोंट हैव मनी, यू आर पुअर पीपल, यू नो. मुझे जो है एकदम से जैसे लगा कि नींद से जाग गया मैं. उसके कुछ ही महीने में हम लोग निकल आए थे वहाँ से. बट To say that I was convinced that I'll get this life, no. ज़्यादा मैं ये सोच रहा था कि यार ठीक ठाक सी फिल्में कुछ रोल करूँगा, एक 1-bedroom या 2-bedroom मैक्सिमम कहीं पर हो जाएगा. एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट थॉट. बट सत्या होगी और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और उसके बाद एक पूरा करियर बनेगा जिसमें इतना प्यार मिलेगा, इतनी शोहरत मिलेगी, लोग उसका मुआवजा भी जो है आपका रेमुनरेशन भी देंगे. अच्छा. I didn't expect to tell you. I mean to tell you the truth. I didn't come here with stars in my eyes. I came here
as a very realistic guy, I think. जब मैं थिएटर करता था तब मैं पेरिस गया था। हाँ, वो आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप। तो पेरिस, तो वो फ्लाइट में जाते हुए मैंने बिल्कुल ही अल्कोहल नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये पैसा मांगेंगे और मेरे पास पैसे थे नहीं, क्योंकि थिएटर कर रहा था और थिएटर के कारण मैं जा रहा था एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं भाई, वो फ्री का होता है, और मैं आते हुए मैंने इतना फ्री का पिया कि मैं बेहोश हो गया था इतना पिया। लेकिन पेरिस में जाकर के ये किसी पार्टी में गया था, वहाँ पे ये सब था, और देखा लोग आराम से इसको इसके साथ में खा रहे हैं। मैंने ट्राई किया, हर बार जब मैं पकड़ता था खाना गिर जाता था। तो एक उधर से एक बहुत ही डिग्निफाइड लेडी टेबल की दूसरी तरफ से आई, उसने फोक उठाया, उसने कहा यू कैन यूज दिस ऑल्सो, डोंट वरी, दिस नीड्स प्रैक्टिस। तो ये मैं इससे इतना डर गया था कि हाल फिलहाल तक मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया। मेरी बेटी ने कहना शुरू किया कि यूज़ दिस, यूज़ दिस, बिकॉज उसको बुरा लग रहा था कि उसका बाप जो है चॉपस्टिक से खा नहीं पा रहा है। तो उसने मुझे प्रैक्टिस करना सिखाया, बट नाउ आई कैन मैनेज इट इन अ लिटिल बिट। वाओ, बट इट्स अनदर वेरी एडमिरेबल थिंग अबाउट यू, जो आप सीखने से पीछे नहीं हटते। नहीं, चाहे वो आपकी, आप जब आए थे तब आप भोजपुरी भाषा बोलते थे, यहाँ आकर आप दिल्ली आकर हिंदी सीखना, इंग्लिश सीखना, या चॉपस्टिक से खाना, यू बीन होल्डिंग इट फॉर रियली लॉन्ग। But is that a sign of being successful? देखिए, you stop learning when you think that you've known enough and you've done enough. With every film and with every day of my life, I feel that I know a little and I pretend to know a lot and I have done little, and people are unnecessarily over responding to all the work that I have done. I think I am still looking for that one role, you know, which can surprise me. I start doing it, when I start preparing, तब मुझे लगता है यार ये क्यों नहीं हो रहा है। You want to do it, you want to learn it, but you want to learn it fully. You want to do it, but you want to do it really well. I think वो गहरा जानना और अच्छा करना, उसका उसकी भूख ज़्यादा है। And I think it shows in your work. I just hope so. No, I'm pretty sure and your fans would agree to that for sure. मैं जानना चाहूँगी आपसे, अब आप तीन शहरों में काफ़ी वक्त आपने गुजारा है, एक ऑफकोर्स बिहार स्टेट में और अपने गांव में दिल्ली में और फिर मुंबई में, इन तीनों जगहों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या अंतर है? सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा फ़र्क कि दिल्ली के लोगों में ये अलग है, मुंबई के लोगों में ये अलग है? तीनों अलग है, तीनों अलग है। अच्छा, बिहार प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर स्टेट है, और मैं जहाँ से आता हूँ बहुत ज़्यादा एक जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे बहुत दूर है। तो एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस इज़ द कनेक्शन विद पीपल, कनेक्शन उनके पास में है। अगर वो फ़ोन करते हैं तो ये मान के फ़ोन करते हैं कि आप भी उसी तरह से चिल्ड हो, आप उसी तरह से रुके हुए हो जैसे कि वो हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से चलती, लेकिन उनको पता नहीं है कि मुंबई शहर जो है वो हर आदमी भाग रहा होता है, उसको ही मीटिंग द डेडलाइन। लेकिन कनेक्शन जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है वो बहुत बड़ा है, दैट कम्स फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में गैप बहुत बड़ा है कि वहाँ ह्यूमन कनेक्शन के बहुत बाद वो जॉब आता है, एम्बिशन आता है, पैसा आता है। वहाँ पर अगर किसी से आप अच्छे से बात नहीं करो, अगर मैं पुराने दोस्तों के साथ में अगर उनको उतना टाइम नहीं दूँ, नेक्स्ट टाइम ही विल रिफ्यूज़ टू कम, ही विल फील सो ऑफेंडेड। तो ह्यूमन कनेक्शन ज़्यादा वहाँ पर मतलब रखता है, आपका व्यवहार दूसरे के साथ में कैसा है। ये छोटे जगहों का, बेतिया शहर या मेरा गांव बेलवा जहाँ से मैं आता हूँ, दिल्ली में दोनों चीज़ें हैं, बिकॉज इज सराउंडेड बाय विलेजेस, जो हर स्टेट के विलेजेस को टच करता है वो। और दिल्ली में जो जितने लोगों ने माइग्रेट किया है वो आसपास के छोटे शहरों से माइग्रेट किया है उन्होंने। प्लस दिल्ली का एक दूसरा रूप ये है बिजनेस, एक तरफ बिजनेस है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है, तीसरी तरफ सरकारी जॉब है। तो ये
तीन चीज़ें हैं वहाँ पे, ह्यूमन कनेक्शन है टू सर्टेन एक्सटेंट, बट एक बड़ा बिजनेस माइंड भी है और एक ल्यूटियन माइंड भी है जो पावर की तरफ जाता है। तो एक अजीब सा वो मिक्स है, दिल्ली का अपना कोई एक कल्चर नहीं है। तो इसी चीज़ की खाना कमाल का है। हाँ। आप दिल्ली में किसी ठेले वाले पे आप पाया सूप पी लो, छोले भटूरे खा लो, खाना खा लो, इट विल बी एज गुड एज एनीथिंग बेस्ट। यस, आई एग्री टू दैट। मुंबई इज ह्यूमन कनेक्शन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। हर कोई भाग रहा है, आपको तौला जाता है कि आप इस चीज़ से कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं देन यू डोंट हैव एनी प्लेस इन दिस सिटी। इट्स अ कमर्शियल सिटी, इट्स अ कॉर्पोरेट सिटी। बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ये जगह है ही नहीं, बिकॉज दोनों ही प्रोडक्टिव नहीं है। पर आप अपने आप में बहुत प्रेशर समझते हैं कि मुझे प्रोडक्टिव रहना है। नहीं, भगवान की दया से मैं चूंकि इतना 24/7 वाला जॉब है मेरा कि अगर मैं शूटिंग नहीं भी कर रहा हूँ तो एक्टर पे काम कर रहा हूँ, तो यू आर इन्वॉल्व ऑल द टाइम। ऑल्सो परिवार का, हम उस जगह से आते हैं जहाँ पे ह्यूमन कनेक्शन बहुत रहा है। मैं दिल्ली बिहार की जगह से आते हैं जहाँ पे परिवार का बड़ा महत्व होता है, तो हम वहाँ पे नहीं होते हैं तो कम से कम परिवार के साथ में कुछ तो समय बिताते हैं, उनके साथ कनेक्शन की कोशिश करते। कुछ भी ना कर रहे हो तो घर में ही हैं, घर में आप रहने की कोशिश करते हो। कितनी बार परिवार इसी बात से खुश होता है कि भले ही वो अपना कुछ कर रहा है लेकिन वो घर में है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको सच में कहूँ, मैं अपना ओल्ड एज यहाँ गुजारना नहीं चाहूँगा, डेफिनेटली नॉट। देन इट विल बी अ सिटी फॉर माई डॉटर, नॉट फॉर मी। एंड वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर योर रिटायरमेंट? माउंटेन। एक छोटी सी जगह कहीं पे ली है। मैं चाहता हूँ कि अपना एक छोटी सी छोटा सा घर बनाऊँ, छोटा सा, बड़ा नहीं, कोई मैंशन नहीं। वो मैंशन जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बड़ा घर आप बनाते हो, मेंटेन करने में बहुत, और फिर लोगों को लेकर वहाँ पे उनसे काम लेना भी तो एक अलग जिम्मेदारी होती है, और उसको मेंटेन करना, उसके रखवाली करना एक बहुत बड़ा हेडेक है। एक छोटा घर बनाया करके वेयर यू कैन जस्ट रिटायर, कम सम टाइम, बट मोस्टली यू आर देयर, यू नो, एंजॉयिंग योर पोस्ट एक्टिंग लाइफ। पोस्ट एक्टिंग, अब आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। हाँ, वो पता नहीं कैसे करते हैं। आपने कुछ सोचा कि मैं इस उम्र तक ही काम करूँगा? मैंने ये ज़रूर सोचा है कि जिस दिन मेरी बेटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी उस समय तक शायद करूँगा। रियली? या वो तो बहुत जल्द होना है। हम नेवर नो, बिकॉज एक 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 मेरी भूख भी मिटनी चाहिए। अगर उस समय तक लगे कि हाँ, नाउ आई कैन, आई डेफिनेटली। बट डोंट यू थिंक ये भूख अनलिमिटेड होती है? एक्चुअली नहीं, कई बार ना आपकी हड्डियाँ बोलना शुरू कर देती हैं कि दिस इज इट, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे ब्रेन चाहे जितना भी चाह रहा हो, बट बॉडी और ब्रेन सिंक में नहीं होते हैं, देन यू से ओके, हेल्थ फर्स्ट। आप जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप तो टचवुड काफी हेल्दी रहेंगे, एंड यू, वी वुड लव टू सी यू वर्क फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। इसीलिए तो मैं मतलब ज्यादा मैं लाइफस्टाइल को सही करके रखता हूं ताकि बिल्कुल ताकि मैं ज्यादा समय तक ये हेल्दी रह पाऊं। हां जी, और अच्छे से काम कर पाऊं, बस दैट्स इट। हां, आपके साथ एक गेम खेलेंगे अब, दिस और दैट। दो चॉइसेस दूंगी आपको, आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा। अब पहले वाला तो मुझे पता ही चल गया, वेकेशन इन द माउंटेन्स और एट द बीच। माउंटेन। लग्जोरियस स्टेकेशन और एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन, मतलब होटल। एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन, दैट्स सो लवली, यू नो, बिकॉज़ जैसे हम लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, अब न्यूयॉर्क तो आप चले गए, आपको पता नहीं है कि जिस होटल में आप रह रहे हो उसके दूसरे स्ट्रीट में क्या है। हम लोग तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। वहाँ का जो सबसे, वहाँ का फ्ली मार्केट, वहाँ पे जहाँ पे सेल लगा हुआ है, क्योंकि लाइफ वहाँ पे दिखती है। हाँ जी, लुई विटो के शोरूम में नहीं दिखेगी लाइफ आपको। अगर लाइफ देखनी है एंड हाउ पीपल आर लिविंग, तो वहाँ के मेट्रो में सफर करो। आप करते हैं आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल। अच्छा? हम लोग करते हैं, बहुत लोग, इंडियन लोग बहुत मिलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जगहों पर जा करके वहाँ के लोगों को समझना, उनसे बातें करना, उस कल्चर को समझना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, हाउ पीपल आर लीडिंग देयर लाइफ। क्योंकि न्यूयॉर्क के, अगर आप न्यूयॉर्क
डाउन टाउन में आप रहते हो तो इट्स ऑल ऑफिसेज, होटल्स, द ब्रांड्स, ये सब तो है ही है. हाँ जी. लेकिन कुछ लोग हैं जो सड़क पे भाग रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए. वो लोग जा कहाँ रहे हैं? वो कहाँ से आए हैं? बिल्कुल. तो दैट मतलब ह्यूमन लाइफ को अलग तरीके अलग जगह पे देखना हमारा शौक है. इंडियन क्विजीन और कॉन्टिनेंटल क्विजीन. चाइनीज तो हमें पता है, पर इंडियन और कॉन्टिनेंटल में? इंडियन. होममेड फूड और स्ट्रीट फूड? होममेड फूड. गोइंग आउट एंड सोशलाइजिंग और स्टेइंग एट होम? स्टेइंग एट होम. सो प्रेडिक्टेबल. सो प्रेडिक्टेबल. दिल्ली या मुंबई? एट दिस एज डेफिनेटली मुंबई. स्वीट या नमकीन? स्वीट. भीखू मात्रे और सरदार खान? बोथ. बोथ. बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ने मुझे बहुत बड़ा करियर दिया और दूसरे ने उस करियर को आगे बढ़ाया, तो इट्स सो डिफिकल्ट. अच्छा, अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी और आपको बताना है कि वो कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा उन सिचुएशंस में. ठीक है. श्रीकांत तिवारी को फ्रॉम फैमिली मैन. ठीक है. इफ हिज US वीजा गेट्स रिजेक्टेड. ये बेंचो हमारी औकात जानते नहीं है. इसको क्या लगता है कि हमको जरूरत है अमेरिका की? तो नौकरी नहीं कर रहे हो तो तुम जाते भी नहीं उधर, थूकते भी नहीं, उल्टा पैसे दे रहे हैं वहां जाकर के. वहां जाकर भी खर्ची करेंगे, वहां जाकर खर्ची कर रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं इनको. भीकू मात्रे इफ ही इज हैंग्री. क्या मस्त लग रही चीज ये. ऐसा लगता है जैसे तालाब से उखाड़ के लाए इसको. सरदार खान इफ ही इज टॉकिंग टू अ फॉरेनर एंड डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. गो ऑल आउट जैसे गैंग्स ऑफ बसे. वो जमील मियां को बोलेगा एक काम कर, मौलवी साहब से पता कर कि क्या बोल रहा है भोसड़ी का. पहला जॉब और पहली सैलरी याद है आपको? हाँ हाँ, मैंने एक फोक फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में. मैं स्टेज असिस्टेंट था एंड आई वाज 19 इयर्स ओल्ड और 20 इयर्स ओल्ड समथिंग लाइक दैट. 10-12 दिन काम किया था हमने, तो 2000 रुपये मिले थे मुझे, जिसमें कि आलू की बोरी भी ढोते थे. और 10-12 दिन के 2000 रुपये मिले थे. और 2000 रुपये जब मिले तो सबसे पहले मैं अपने रूममेट्स को ले जा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही एक कैंप है वहाँ पर उन सबको चिकन करी और राइस खिलाया था मैंने. और शाम को जो है हमने चिकन लेके आए थे और चिकन फ्राई किया था और उसके साथ ओल्ड मॉन्क. ये तो ऐसा लग रहा है आपने 2 दिन में ही सारे पैसे खत्म कर दिए. दो तीन मतलब एक हफ्ते ही वो पैसा रहा, बाकी सब खत्म. अभी करते हैं आप सेविंग्स या आप बहुत खर्चीले? नहीं अब नहीं, अब खर्चीले तो नहीं, खर्चीला नहीं हूँ मैं. अच्छा. खाने पीने में खर्चा करता हूँ दोस्तों के साथ में. हाँ. लेकिन खर्चीला तो नहीं. आई मेट पंकज त्रिपाठी और ही ऑफ कोर्स मेंशन अबाउट हाउ मच ही एडमायर्स यू. उन्होंने चप्पल रखी, ये किस्सा उन्होंने हमारे एपिसोड पर भी बताया था. हु वाज दैट वन पर्सन हु यू लुक अप टू? वन वाज मिस्टर बच्चन, चाइल्डहुड हीरो. जब मैं उनके सामने सत्या के ट्रायल के बाद वो बाहर आया तो मैं एकदम सामने मिल गया था, मैं तो फ्रीज ही हो गया था बिल्कुल. आई जस्ट फ्रोज व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद से वो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे जो इन एक्चुअलिटी आई एम टेलिंग यू मुझे याद ही नहीं क्या बोल रहे थे बिकॉज मेरे कान भी सुन्न हो गए थे. तो आई जस्ट लुकिंग एट हिम दैट दिस पर्सन आई हैव आइडलाइज्ड हिम फॉर so many years and he's standing right in front of me. And another one is Nasiruddin Shah. मुझे लगता नहीं कि उस आदमी से बढ़िया एक्टर कोई है. और जितना क्राफ्ट पे काम करते हैं, मैं उनका प्ले अभी देखने गया था और वो प्ले देखने के बाद मैं बाहर निकला, आई वाज स्पीचलेस. हाउ कैन ही स्टिल बी सो ग्रेट? तो ये दो लोगों के बारे में आई कैन गो ऑन एंड ऑन बिकॉज आई रियली फील कि बच्चन साहब की तरह का जज्बा किसी में नहीं है ना. वैसा स्टार इस कंट्री ने कभी देखा है और एट द सेम टाइम एक्टर भी है. जबान क्या है, पब्लिक बिहेवियर उस आदमी का कोई टच नहीं कर सकता. इतना बढ़िया उनका प्रेजेंस प्लस जो वो परफॉर्म करते हैं. दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह,
वैसा ग्रेट एक्टर पैदा नहीं हुआ। फिर मैं ओम पुरी आई ऑलवेज सेड दैट ही इज दे एज गुड एज एनी वर्ल्ड एक्टर एज गुड एज एनी वन इट्स जस्ट दैट दे वर नॉट बॉर्न इन यूएसए दे बॉर्न इन इंडिया। Honestly, we all consider you as one of them also. Thank you. Like how we, you know, appreciate and look up to Amitabh sir as well as Nasruddin sir. So is for you. I can tell that the following is exactly like that. Oh, and thank you. We wish you all the best for your upcoming releases. बहुत मजा आया. आज मैंने आपको ज़्यादा खाने नहीं दिया, पर अब आप खाइए क्योंकि आज डिनर नहीं है आपका. मेरा डिनर तो है ही नहीं. कभी भी नहीं है. तो आप अच्छे से खा लीजिए. मैं बातों में आपको बिजी रखूंगी, but make sure you are eating well. Thank you very much. It was lovely interacting with you. Thank and you. This show, I was quite apprehensive कि यार ये खाने पे क्या बात करूँगा मैं, but you've been a great host. Thank you so much. Thank you very much. And everyone's been talking so high about you. Thank you. So all the best. Good luck with your show. And keep eating, keep feeding people. Definitely. Thank you so much. Thank you.